के आगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। हम आज स्टडी करेंगे कोनिकल फॉरेस्ट, जिन्हें हम टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। उसके आगे भूमध्य सागरीय वनस्पति है, और फिर शीतोष्ण सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट और शीतोष्ण पर्णपाती वन। सबसे पहले शंकुधारी वन। शंकुधारी वन दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसका जो वी अक्षर होता है उसको अगर हम उल्टा करके रख देते हैं तो जो शेप बनता है उसे हम शंकु या कोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ये आकृति जो है कोनिकल शेप की है। ये आप जब कभी पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, यहाँ पर हमने आपको लिखा है उच्च अक्षांश, जिनमें लिखा भी है 50 से 70 लैटिट्यूड्स, तो वहाँ पर क्या है आपको बरसात के साथ हिम वर्षा होती है। और ये पेड़ क्या है उन परिस्थितियों उन जलवायु से एडॉप्टेशन के लिए क्या है अपने शेप को उल्टे वी जैसा बना देते हैं। अन्यथा क्या है अगर यहाँ के पौधों की तरह ब्रांचेज हों तो बर्फ जम करके उन ब्रांचों को तोड़ सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इनके शेप के आकार पर क्या है इस फॉरेस्ट का नाम पड़ा है कोनिकल फॉरेस्ट या शंकुधारी वन। और यहाँ की जो वनस्पति होती है उसे टैगा वनस्पति के नाम से जानते हैं। हायर लैटिट्यूड्स पर होते हैं, जो मेन एग्जाम्पल होते हैं पेड़ पौधों में चीड़ यहाँ का है, देवदार है। जब हम पशु पक्षियों की बात करेंगे तो ध्रुवीय भालू जो है और आपका रजत, लोमड़ी, मिंक, इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के जो पेड़ होते हैं जब उनका हम देखते हैं किस प्रकार से इंडस्ट्री के रूप में यूज किया जाता है, तो माचिस बनाने के लिए, मैच बॉक्स बनाने के लिए, और जो पेपर जिसका हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में उसके बनाने के लिए यहाँ की वनस्पति जो होती है सबसे सुयोग्य होती है। यहाँ की वनस्पति क्या होती है नर्म होने के साथ साथ टफ भी होती है, जो दोनों प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर जब हम आते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये वनस्पति जो है वो महाद्वीपों का जो पश्चिमी किनारा है, दक्षिण पश्चिमी किनारा है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज और आप जानने की कोशिश करिए, यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का क्या होता है अभाव होता है, बागान फसलों का क्या है बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसलिए आप जब भी देखें तो विश्व का फलोद्यान के नाम से भूमध्य सागरीय वनस्पति को जाना जाता है। यहाँ पर आपको अंगूर की खेती, यहाँ पर आपको अन्य प्रकार के फलों बड़े पैमाने पर खेती देखने को मिलती है। यहाँ पर क्योंकि जलवायु जो होती है वो रसदार सरस फलों के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। आप देखेंगे यहाँ पर संतरा है, अंजीर है, जैतून है, नींबू है, या हम कहें साइट्रस वंश के जो पौधे फल होते हैं उनके उगने के लिए यहाँ पर क्या है जलवायु सबसे सुटेबल होती है। इसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में है शीतोष्ण सदाबहार वन, कल हमने चर्चा की थी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर शीतोष्ण, फिर वहीं पर चलते हैं 23rd हाफ लैटिट्यूड से लेकर के 66 हाफ लैटिट्यूड का जो एरिया होता है वो शीतोष्ण के नाम से जाना जाता है। सदाबहार का आशय है ऐसे वन जिनकी पत्तियां क्या हैं वर्ष भर पौधों के साथ रहती हैं, या एक ऋतु विशेष में क्या है वो पत्तियां नहीं गिराती हैं, ऐसे वनों को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये मध्य अक्षांशों के आसपास पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों का आशय 45 लैटिट्यूड से लेकर के 50 लैटिट्यूड के अंतर्गत आते हैं। तटीय प्रदेश होने के कारण वातोत्सर्जन की क्रिया का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, पानी पेड़ों से कम निकलता है, इस कारण से क्या है पत्तियां वर्ष भर बनी रहती हैं, एक साथ विड्रा नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। ये पूर्वी किनारों पर महाद्वीपों के पाए जाते हैं। इनमें आपका यूकेलिप्टस है,
चीड़ है, बांज है, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जंगली जंतुओं की बात जब हम करते हैं तो लोमड़ी है, लकड़बग्घा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले समस्त जीव क्या हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा जो है इसका मान होता है 23.5, वो भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए भारतीय जीव इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का अर्थ है जिनकी पत्तियां क्या हैं, किसी ऋतु विशेष में गिर जाती हैं पानी की कमी को या पानी की कमी से बचने के लिए। ये जो है उच्च अक्षांशों का में पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 50 लैटिट्यूड से लेकर के 60 लैटिट्यूड के मध्य में पाए जाते हैं। इनमें भी देखिए क्या है, बांज है, ऐस है और बी, ये क्या है यहाँ की वनस्पतियां हैं। इन्हीं में क्या है, सबको मनमोह लेने वाली फीजेंट तथा मोनाल पक्षी भी पाए जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में चित्र देखेंगे, उनको संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तो आज बच्चों बस इतना, नेक्स्ट अगले वीडियो